नमस्कार, मैं सी आशुतोष अग्रवाल। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों रजिस्टर करवानी चाहिए, इसको रजिस्टर करवाने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस और फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि ये अपने नाम पे कोई भी काम कर सकती है, ये अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है, ये अपने नाम पे कोई भी काम कर सकती है। दूसरा, इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी अवस्था में कंपनी के किसी डायरेक्टर की या किसी भी शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाती है या वो कंपनी को क्विट करना चाहते हैं, तब भी कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रह सकता है, वो ख़त्म नहीं होता। इसके बाद तीसरा एडवांटेज ये है कि ये स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बहुत ऑथेंटिक और क्रेडिबल मानी जाती है क्योंकि इस पर बहुत सारे कंप्लाइंसेस लागू होते हैं और उनको कंप्लाई भी करना पड़ता है। इसके अलावा जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, ग्रो करती है, तो उसको ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और देयर फ्रेंड्स और देयर रिलेटिव्स। यानी ये केवल लोन पे ही डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपने खुद की शेयर कैपिटल से भी अपने फंड्स को फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो बहुत ही टाइमली मैनर में होते हैं और वो हमें करने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ हमें बहुत ज़्यादा लेट फीस और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। दूसरा, हमें हर साल ऑडिट करवाना ज़रूरी है, चाहे हमारी टर्नओवर कितनी भी हो, हमारी ऑडिट करवाना कंपलसरी है। इसके लिए हमें एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो हमारी हर साल ऑडिट करेंगे और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, साइन की रिपोर्ट्स, वो हम उसको अपलोड करेंगे ROC की वेबसाइट। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमें किन किन तरीके के डॉक्यूमेंट्स, किन किन तरीके की इंफॉर्मेशन और डिटेल्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो डायरेक्टर होने ज़रूरी हैं। इन दो डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर भारत का रेसिडेंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास दो सब्सक्राइबर्स या शेयर होल्डर्स होने ज़रूरी हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप किसी भी अमाउंट के शेयर कैपिटल से अपना बिजनेस, अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमारे पास जो भी प्रपोज डायरेक्टर्स हैं उन सभी का DSC हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा जिस भी एड्रेस पे हम कंपनी को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, उस एड्रेस का हमारे पास या तो ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए या फिर हमारे पास कोई लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी के ओनर हैं वो अपना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे कि उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर इस एड्रेस पे कंपनी फॉर्म की जाती है और वो अपना कोई काम शुरू करना चाहती है। इसके अलावा जो भी एड्रेस है, जिस एड्रेस पर रजिस्टर होना चाहते हैं, उसका कोई यूटिलिटी बिल होना ज़रूरी है। यूटिलिटी बिल हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें रिजेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमारे पास उसका नाम होना ज़रूरी है, नाम यूनिक होना चाहिए और इसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा जब जो भी हम नाम डिसाइड कर लेते हैं, वो नाम हमें अप्रूव करना होता है ROC से, तो हमें इसके लिए वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है नेम अप्रूवल के लिए, और जब नेम अप्रूव हो जाता है तो हम अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें
इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास जितने भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी हमारे पास सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी का हमारे पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना ज़रूरी है। रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे आपके पास उनके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी हो सकती है, उनका यूटिलिटी बिल की कॉपी हो सकती है, जो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनकी आइडेंटिटी के आपके पास प्रूफ होने चाहिए। आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पे आपके पास कॉपी ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए, कॉपी ऑफ वोटर आई कार्ड होना चाहिए, कॉपी ऑफ पैन कार्ड होना चाहिए, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कॉपी ऑफ पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि यही ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी डायरेक्टर की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी के लिए एक अलग से ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारे वन टाइम पासवर्ड्स आते हैं जो कि हम उसको रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद हमें जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं या जो भी हमारे डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं कंपनी में, उन सभी का DIR-2 हमें लेना पड़ेगा। DIR-2 होता है कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, यानी जो भी डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं वो अपनी कंसेंट देंगे कि उनको कंपनी डायरेक्टर बनना चाहते हैं। प्लस में वो ये भी मेंशन करेंगे कि वो कंपनी लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से किसी भी तरीके से डिसक्वालीफाइड ही हैं अगर उनको अपॉइंटेड किया जाता है एज ए डायरेक्टर। इसके बाद हमें EPF और ESIC के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। EPF के लिए हमें एक स्पेसिमन सिग्नेचर शीट अपलोड करनी पड़ेगी। ये स्पेसिमन सिग्नेचर शीट होती है कि जो भी हमारे ऑथोराइज डायरेक्टर्स हैं या ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं वो अपने 3-3 साइन करेंगे और उस शीट को हम अपलोड करेंगे ROC की वेबसाइट। इसके बाद हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप ROC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अमेंड कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आप किसी भी सर्च वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। ये प्रोफेशनल हो सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो केवल ये प्रोफेशनलिटीज को ऑथेंटिक कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक में या इस टॉपिक के संबंध में कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे मेल आईडी पे अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसको हम टाइमली मैनर में रिस्पॉन्स कर सकें। धन्यवाद।